हरिओम, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही उत्तम विषय और वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ दृष्टिगत करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने बहुत एक शब्द सुना होगा, मारण मोह अनवश्य स्तंभ नवचाटन, ये है वो है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती क्या है? और कहते हैं ना कि जिस शस्त्र का जिस समय पर जिसके विरुद्ध या जिसके सामने या जिसके लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, या बहुत लोग जो इन विद्याओं का गलत प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और कब कब यह प्रयोग सब करते हैं, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, आज पूरा विस्तार से लेकिन संक्षिप्त में वीडियो के माध्यम से आपको मैं दृष्टिगत करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसा ही स्नेह बरसाते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये जो सारी चीजें होती है, मतलब ये सारे मारण मोहन वश्य स्तंभन उच्चाटन आदि, तो सबसे पहले तो ये एक अच्छी चीज तो नहीं है। अगर किसी के लिए गलत प्रयोग करते हो तब ये अच्छी भी चीज है, विषय भी अच्छे है। जब आप अपने लिए सही प्रयोग करते हो तब, या किसी और के लिए। सबसे पहले इसमें है मारण, और मारण क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के कामना हेतु अगर अनुष्ठान करवाते हैं। अब याद रखिएगा, बहुत बार हमारे पास भी लोग अनुष्ठान करवाने आते हैं कि इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, तो अब वो तो हमारे पास आए तो हमने तो वन साइड देखी है उनकी साइड से, कि वो हमें जेन्युइन ही लगेंगे। जैसे कोई वकील के पास आएगा तो वो केस लड़ेंगे, चाहे पता भी है कि ये झूठा या झूठी है कि नहीं है, फिर भी वो केस लड़ेंगे। लेकिन हम ये दोनों साइड देखते हैं कि क्या सच में सही है गलत है, क्योंकि उसमें हम दोष के अधिकारी बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी की भी मृत्यु की कामना हेतु जो अनुष्ठान करवाया जाए उसे मारण कहते हैं। जो मैं कहूँगा, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही ये गलत है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, क्योंकि ये सारी चीजें उस समय पर होती थी, क्योंकि राक्षस थे। हाँ, आज के मतलब कुछ कुछ इंसान भी किसी राक्षस से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये प्रयोग अभिचार नहीं करना चाहिए, जबकि बहुत लोग किसी के लिए करते हैं। ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं कि मतलब पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। तो ये है मारण कर्म, जब किसी की मृत्यु हेतु आप अनुष्ठान करते हो या करवाते हो, जिसे कहा जाएगा मारण कर्म। उसके बाद है मोहन, किसी की बुद्धि को मोहित करके, किसी की बुद्धि को भ्रमित करके उसे शारीरिक मानसिक आर्थिक व्यापारिक सभी प्रकार के कष्ट देना, उसकी बुद्धि को ही भ्रमित करके पागल बना देना, उसे कहा जाएगा मोहित, या ये कह सकते हो कि उसको अपने वश में कर लेना। लेकिन मोहन का मतलब होगा मोहित ही करना, कि उसका सर्वस्व जो है ना वो मोहन विद्या के माध्यम से नष्ट कर देना, यह है मोहन, इसे मोहन कहते हैं। तीसरा कर्म है वशीकरण, कि अपने किसी स्वार्थ हेतु, अपने किसी कामना के लिए, अरिष्ट कामना के लिए किसी सामने वाली व्यक्ति को ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान करके अपने वश में कर लेना, वो कहा जाता है वशीकरण। खास करके व्यभिचार आदि कर्मों में इसका अनुष्ठान लोग करते हैं, करवाते हैं। सही है तो ठीक है, गलत है तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद है स्तंभन, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए रोकने हेतु जो अनुष्ठान किया जाता है। जैसे पहले के जमाने में शत्रु सेना को रोकने के लिए स्तंभन किया जाता था, ताकि जो शत्रु है वो उसकी कामना में सफल ना हो सके। उसी प्रकार से चोर डाकू लुटेरे वगैरह थे तो स्तंभन आदि किया जाता था, ताकि वो चीज हो ना, तो उसे कहते हैं स्तंभन। फिर है उच्चाटन, मतलब वो कोई ऐसा अनुष्ठान के माध्यम से, कोई ऐसी विद्या के माध्यम से किसी और का या शत्रु का मतलब मन को उचित ही कर देना, मतलब वो बेचैनी से रहने लगेगी, फिर मान लीजिए कि एक प्रकार से उच्चाटन रहना, वो कहते हैं ना कि घर में नेगेटिविटी रहती है, किसी इंसान को मिलने से नेगेटिविटी रहती है, ऐसे लोगों को मिलने से नेगेटिविटी रहती है, तो मन को उचित कर देना, मन को ही मतलब मान लीजिए कि किसी भी प्रकार के ऐसे अनुष्ठान करके सामने वाले या शत्रु के मन को उचित कर देना, नष्ट कर देना, वो कहलाता है उच्चाटन। उसके बाद है आकर्षण, कि मंत्र शक्ति के द्वारा या फिर किसी ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान करके किसी को आकर्षित करना अपनी ओर। जैसे खास करके बहुत लोग होते हैं जो जॉब है या व्यापार स्थल आदि है, वहां पर सब कुछ पाने के लिए आकर्षण
विद्या या आकर्षित करने के लिए बहुत सारी ऐसी विद्याओं का भी प्रयोग करते हैं, और ये हमारे पास बहुत से लोग आते हैं हालांकि हम करते नहीं है वो, तो उसे कहलाता है आकर्षण। उसके बाद है विद्वेषण। विद्वेषण, अगर वि और अण को निकाल के बीच में देखो तो द्वेष है। किसी के लिए द्वेष रखकर परस्पर द्वेष उत्पन्न करना और मंत्र या अनुष्ठान के द्वारा व्यक्तियों, मित्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पुत्र हो, संतान हो, पिता आदि हो, शत्रुता का भाव उत्पन्न कर देना। मतलब विद्वेषण का मतलब ये है कि अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा करवाना, लड़ना झगड़ना, या अपने ही परिवार के पारस्परिक संबंधों में कलह पैदा करना या करवाना, जो कि कोई आपका शत्रु ही आपके लिए करवाता है या करता है, वो कहा जाता है विद्वेषण। और इसके बाद है जृंभण, भय पैदा करना, डर पैदा करना, स्ट्रेस पैदा करना, टेंशन पैदा करना। तो ये जो सारी चीजें हैं कि किसी को, किसी के विरुद्ध या किसी को एक प्रकार से जीवन से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भय पैदा कर देना, कि जैसे अगर वो होता है ना कि किसी को इतना इतना भयभीत कर दो कि वो घर से बाहर भी ना निकले, एक प्रकार का जो फोबिया बना देते हैं, उसे कहता है, कहा जाएगा जृंभण। इसके अलावा भी षटकर्मा आदि है, लेकिन ये जो है मारण, मोहन, आकर्षण हो या वशीकरण हो या स्तंभन हो या उच्चाटन आदि हो, ये बहुत सारे शब्द है इसके लिए। तो ये सारी जो विद्याएं है ये खास करके तंत्र शास्त्र में प्रयोग की जाती है, और अपने सामने वाले शत्रु का विनाश करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, मोहित करने के लिए, स्तंभन करने के लिए, उच्चाटन करने के लिए या जृंभण करने के लिए ये सारी क्रियाएं करवाई जाती है। और ये भी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, जो लोग इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे वही लोग दो दो तीन तीन या डेढ़ डेढ़ दो दो साल साल के बाद हमारे पास आए हैं, जबकि बहुत सारी समस्याओं का हर जगह जाने के बाद उन्हें समाधान नहीं मिलता। और हर जगह का मतलब ये नहीं है कि हमारी फील्ड के बहुत सारे लोगों को दिखाने के बाद साइंटिफिक तरीके से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, किसी और प्रकार से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब वही कहने वाले कि हम ये सारी चीज़ें नहीं मानते वो भी मानने लगे हैं, और मानने लगते थे या मानने लगे हैं, कोई संदेह नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हाँ, आज के ज़माने में इन सारी विद्याओं का कहीं ना कहीं तो कोई गलत प्रयोग कर ही रहा है, जो नहीं करना चाहिए। या फिर मैं ये कहूँगा कि जब जहाँ जो उचित हो तब तब वहाँ वही करना चाहिए इन सारी विद्याओं के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा तो सिर्फ यही कहना था कि इसका अर्थ है वो ये होता है। तो ये विषय एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो विषय वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड भाई आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।